दैट्स हेंस द पोस्टर जो कि आप देख सकते हैं, जो कि मोना रहेजा का पोस्टर है, जो कि मोना डार्लिंग बन चुका है बिकॉज ऑफ सम इडियट्स इन द फिल्म. एंड या दैट्स अबाउट इट. आई थिंक दैट्स हेंस द पोस्टर. ये देखिए दिव्या, दिव्या अंशुमन, ये इन्होंने खींची है और उन्होंने ब्लर खींची है और इनसे पूछिए उन्होंने क्यों इतनी खराब पिक्चर खींची है. क्योंकि ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी. मैं फोटो लेना चाहती थी और ये नहीं लेना देना चाहती थी. पता नहीं तुम्हें करना क्या था. हम लोग बीच पे थे, इतनी अच्छी लाइट थी, खा रही थी. इतनी अच्छी लाइट में कोई बोलता है पिक्चर ना, वो तो ऐसे सब लोग करते कि नहीं 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 और नहीं खाना, खा तो लेते हैं ना. स्टाइल मार रही थी, स्टाइल मारने के चक्कर में आउट ऑफ फोकस हो गया. या वी लव टेकिंग सेल्फी. एक्चुअली नो, आई थिंक वी आर द ओनली टू एक्ट्रेसेस हु नेवर टेक अ सेल्फी. वेरी फन लविंग गर्ल. बहुत केयर फ्री है, ज्यादा सोचती नहीं है, अपने दिल की सुनती है, ज्यादा जज नहीं करती लोगों को, खुद भी बहुत केयर फ्री रहती है और दूसरों को भी जज नहीं करती. एंड बिकॉज ऑफ दैट नेचर शी गेट्स इनटू सम शिट, क्योंकि वो इतनी आसानी से लोगों को ट्रस्ट कर लेती है और थोड़ी सी भोली है कह सकते हैं आप. एंड शी इज द स्मार्ट वन. शी इज वो ये थोड़ी सी दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है. सो देयर इज माई कैरेक्टर थोड़ा ज्यादा थोड़ा हेल्ड बैक, थोड़ा रिजर्व्ड, स्पोर्टी, प्रोटेक्टिव, लॉयल. ओरिजिनल आइडिया हमेशा ही अच्छा लगता है. ये आइडिया फिल्म से आया. इस फिल्म में सब कुछ स्क्रिप्ट से है और स्क्रिप्ट में सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा बेस है कहानी को जो आगे ले जाता है. तो इसीलिए मार्केटिंग टीम ने जब पोस्टर डिज़ाइन किया तो सोशल मीडिया का थीम ही रखा है. काफ़ी फेमस है कॉलेज में. ही इज़ अ सोशियोपैथ, अकेला सा है थोड़ा, सॉरी गीक है कॉलेज का. सब चाहते हैं उसकी मदद अटेंडेंस चेंज करने में, क्योंकि वो कहीं भी कुछ भी हैक कर सकता है. लेकिन उसको उसकी जो सबसे बड़ा उसका प्यार है वो है गेम्स. सो वो मैसिवली मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम्स खेलता है, MMORPGs दुनिया भर में लोगों के साथ. और उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जब लोग उसको डिस्टर्ब करते हैं. और कैसे वो गेम्स की दुनिया को रियल दुनिया में यूज़ करके इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश करता है और कैसे उसको रियलाइज़ होता है कि गेम्स और रियल लाइफ बिल्कुल ही अलग है. ये जो फिल्म है एक पूरे कैंपस पे बेस की गई है और वहाँ पे एक साइंस इंस्टीट्यूट है, स्कूल ऑफ साइंस, वहाँ का डीन हूँ मैं. एक ऐसा किरदार जो ऑफ कोर्स डिसिप्लिन तो चाहता ही है, लेकिन टीचर की हैसियत से ज़्यादा एक दोस्त भी है, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड की तरह. तो सब स्टूडेंट्स उसको दोस्त भी समझते हैं, उनके साथ काफ़ी इन्वॉल्व रहता है, उनको इन्वेंशन की तरफ ले जाता है. और जब ये हादसे शुरू होते हैं इस कैंपस में, क्योंकि थ्रिलर है तो सब लोग इस इन हादसों से पूरे उलझ जाते हैं. और ये भी ऐसा किरदार है जो टेक्नोलॉजी की बैकग्राउंड के बावजूद और ऐसे पूरा कंट्रोल है उसका उस कैंपस में, लेकिन उसके बावजूद ये पूरा उलझ जाता है उसमें. सो एक लाइकेबल कैरेक्टर है और लोग पसंद करते हैं उसे, स्टूडेंट्स पसंद करते हैं. देखिए याद नहीं, अब इतनी याद आ रही हैं तो हाँ बहुत, क्योंकि हम अपनी फिल्मों में इतने जुटे हुए हैं तो एकदम नाम नहीं. लेकिन हाँ, शुरुआत तो चौरंगा से हुई थी, January 8 को रिलीज़ हुई थी. तो उसके बाद कई फिल्में आई हैं जो बड़ी प्यारी और अच्छी फिल्में हैं.